कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है। थोड़ी ही देर में नतीजे आ जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। इसको लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। पंडित सोहनलाल शर्मा, आप लोग राजस्थान से आए हैं और हाँ। आज मतगणना भी शुरू हो गया है, क्या लगता है? देखो, ये कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र का मामला है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शशि थरूर जी ने दोनों ने प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ा है और पीसीसी डेलीगेट्सों ने अपना मत का प्रयोग करके दोनों प्रत्याशियों को देखा है, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, जो कि ब्लॉक लेवल से लेकर और लोकसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, केंद्र में मंत्री, लगभग 45 से 50 साल तक उन्होंने राजनीति का बड़ा लंबा अनुभव है, जबकि उनकी तुलना में शशि थरूर जी कम युवा हैं और लेकिन राजनीतिक अनुभव उनके पास थोड़ा कम है। आपको क्या लगता है, आज भारी संख्या में लोग आए हैं तो क्या लगता है, खड़गे जी जीत जाएंगे? लगभग खड़गे जी का चुनाव जीतना लगभग तय माना जा रहा है, जैसा कि पीसीसी डेलीगेट्सों से लगभग संपर्क हुआ है, उनसे जानकारी मिल रही है, तो लगभग 70% वोटों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी जीतेंगे चुनाव। सर, आप कैसे देखते हैं? दुनिया में पहली दफा कोई इतने लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं करवाया। जेपी नड्डा साहब को दूसरी बार कार्यकाल बढ़ा दिया गया, किसने बढ़ाया देश को नहीं पता। आज गांव-गांव में लोगों को पता है कि कितने निष्पक्ष ढंग से कांग्रेस के निर्वाचित डेलीगेट पूरे देश में उन्होंने वोटिंग किया है और किसी तरह का किसी के कोई दबाव नहीं था, फ्री फेयर वोटिंग हुई है। उसमें लोगों ने अनुभव को इस बार तरजीह दिया, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में वोटिंग हुई। लेकिन देखा जाए, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे, तो आपको क्या लगता है? राहुल गांधी हमारे नेता हैं, पार्टी का प्रेसिडेंट और नेता, उनका मास अपील है, वो नेता है। पार्टी के प्रेसिडेंट खड़गे साहब अनुभव को ध्यान में रखते और नेता दोनों मिलके हम लोग अगर आने वाला 24 का चुनाव हम लोग जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अपदस्थ करेंगे। बीजेपी कह रही है कि ये तो दिखावा है, चुनाव नहीं है। अच्छा, बीजेपी वो कह रही है जिसके बारे में पता नहीं कि उसके अध्यक्ष को किसने चुन लिया, जो जो उसको उसको ये चीज की जानकारी नहीं है कि जेपी नड्डा को किसने चुना, उसके कार्यकर्ता को नहीं पता है। और हम तो सारे देश में सभी जगह पायलट से वोटिंग हुआ है, सारे पोलिंग एजेंट, सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिस तरह से इलेक्शन होता है उस इलेक्शन हुआ, वो आदमी बोल रहा है जिसको जिसके पार्टी के वर्कर को नहीं पता है कि जेपी नड्डा फिर दोबारा कैसे अध्यक्ष चुन लिए, या मीडिया को नहीं पता है कि वो कैसे चुन लिए, तो उसके कहने का क्या सवाल है? तो आपको लगता है इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा बीजेपी के आरोपों से? नहीं, बीजेपी का आरोप क्या, बीजेपी के आरोप, बीजेपी से लोग मुक्ति के लिए छटपटा रहा है तो पूर्ण उसका तो प्रमाण है कि आज तक बहुत सारा बहुत जगह पदयात्रा हुए, क्या को नहीं पता है कि वो कैसे चुन लिए, तो उसके कहने का क्या सवाल है? तो आपको लगता है इससे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा बीजेपी के आरोप से? नहीं, बीजेपी का आरोप क्या, बीजेपी के आरोप, बीजेपी से लोग मुक्ति के लिए छटपटा रहा है तो पूर्ण उसका तो प्रमाण है कि आज तक बहुत सारा बहुत जगह पदयात्रा हुए, राहुल गांधी के पदयात्रा में जिस तरह जनसाला उमड़ रहा है, तो सबूत है कि लोग इंतजार कर रहा है कि बीजेपी से मुक्ति कब मिले, चुनाव का इंतजार कर रहा हूँ, औकात पता चल जाएगा। गुजरात में जीतने जा रही है, लगभग 50 सीटें हैं, हम बहुत ही उत्साहित हैं, हम फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि पार्टी को एक ऐसा अनुभव मिलने जा रहा है जिस अनुभव का लाभ हमें 2024 में मिलेगा माननीय खड़गे साहब के रूप में। देखा जाए तो राहुल गांधी तो मैदान में है नहीं, क्या करें? राहुल गांधी हमारे नेता हैं, हम सबके नेता हैं। अब ये एलिगेशन तो बीजेपी से आप पूछिए कि वो कहते थे कि कोई नहीं, बार बार आप देखते हैं राहुल गांधी को ही वो बना देते हैं, अध्यक्ष बना देते हैं, गांधी परिवार से आउट नहीं जाता है, तो ये डेमोक्रेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है वास्तविक में, वो केवल हमारी कांग्रेस पार्टी में ही किया जा रहा है और हमें इसमें कोई वो नहीं है कि राहुल गांधी जी ग्राउंड पे, लोग कहते थे कि ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की, आज यात्रा लगभग अप्रोक्स 1100 किलोमीटर वो पैदल चल चुके हैं, जिसमें युवाओं का उन्हें जनसमर्थन भरपूर मिल रहा है। अब तो खड़गे जी जीत भी जाएंगे, क्या आपको लग रहा है कि खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, 2024 में खड़गे जी का नेतृत्व होगा, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल,
आप कैसे देखते हैं चुनाव को? देखिए, बहुत ही हम झारखंड से आते हैं और झारखंड में 96% वोट हुआ है और बहुत ही हमारे प्रकाश जोशी जी गए थे चुनाव कराने, बहुत ही उम्दा तरह से चुनाव हुआ है, 96% वोट हुआ है। हम समझते हैं कि दोनों कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार श्री खड़गे साहब हैं और खड़गे साहब हमको लगता है कि विजयी हासिल करेंगे और उनको हम अग्रिम बधाई दे रहे हैं। लेकिन हम ये भी उनसे आशा रखते हैं कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें जितने भी चुनाव होंगे उनके नेतृत्व में कांग्रेस विजयी होगा। राहुल गांधी जी चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का आशीर्वाद गुजरात के भी जनता को मिल रही है, वहाँ के नेताओं को मिल रहा है और हिमाचल में भी वो जाएंगे। और हम समझते हैं कि जिस दिन रेस्ट होगा उनका वो गुजरात और हिमाचल में वो प्रचार भी करने जाएंगे। ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह चेयरमैन अनुशासन समिति झारखंड।